दुखद घटना हुई है, एक कायराना हमला हमारे पड़ोसी मुल्क ने, पाकिस्तान ने, जो हमारे वीर शहीदों पे, वीर जवानों पे किया है, ये धोखे से अटैक जो किया है, मैं समझता हूँ कि इससे घटिया हरकत, इससे घिनौनी हरकत शायद दुनिया में कोई नहीं हो सकती। अरे पाकिस्तानियों, हमारे अंदर अगर दम है, ताकत है, शक्ति है और लड़ने की हिम्मत है तो सामने और हमारे जवानों के सामने गोली का जवाब हम गोली से देंगे। छाती पे गोली मारो, पीठ पे गोली मार के तुमने क्या अपनी बहादुरता दिखाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ये आज जो हमने ये धरना बोलो, ये पीस मार्च बोलो, प्रदर्शन बोलो, ये हम लोगों को, सब लोगों को जागरूक करने के लिए किया है। सारे देश में बड़ा शोक है, बहुत ही दुख सब लोग प्रकट कर रहे हैं। आप टीवी में देख रहे होंगे, गांव गांव में, छोटे गांव जहाँ 100, 200, 500 लोग हैं, वहाँ भी दुख प्रकट हो रहा है। देश एक है और एक ही रहेगा। कोई भी ताकत, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई भी मुल्क हो, हमारे देश को तोड़ नहीं सकता, हमारे देश को अलग नहीं कर सकता। और हम ये ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, हमारे भाई, बड़े भाई MS बिट्टा जी, जो देश की हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उनका आदेश है। हम 8-5 साल से ये काम कर रहे हैं देश को जोड़ने की, देश की अखंडता को तोड़ने नहीं देना है, देश को साथ में प्यार का संदेश, प्यार का मैसेज हम देते हैं, सबको एक साथ रोना है, जॉइन हैंड्स अगेंस्ट टेररिज्म। और अगर पाकिस्तान ऐसे काम करेगा जो कर रहा है, कायराना हमला कर रहा है, उनको जवाब बुलेट से बुलेट दिया जाएगा। अगर वो एक गोली चलाएंगे, 100 गोली चलाएंगे। हमारे जवान, हमारे जवान, हमारे जवान, हमारे जवान, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सभी नागरिकों का, मुंबई वासियों का और खास करके हमारी LT मार्ग पुलिस स्टेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनका सहयोग हमको मिला, जो भी ऑफिसर, जो भी यहाँ का स्टाफ है, सीनियर साहब है, बाकी ऑफिसर हमारे साथ है, इनका हाथ जोड़ के धन्यवाद कि इस प्रदर्शन में और इस आवाज़ उठाने में इन्होंने हमारा सहयोग दिया है। और फिर से हम हर नागरिक को हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि देश एक है और एक ही रखना है, और हर इंसान ने, हर नागरिक ने, हर हिंदुस्तानी ने ये प्रण करना है कि हम देश को टूटने नहीं देंगे। ये खून पसीने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिन्होंने अपना खून सींच के तिरंगा झंडा बनाया है, तिरंगा झंडा बनाया है, उसको कायम रखेंगे। स्वतंत्रता को हम बिल्कुल कायम रखेंगे। और जो दुश्मन देश हैं, दुश्मन लोग हैं, जिनकी नज़र हमारे ऊपर गलत है, उनकी आंखें निकाल के उनके हाथ में दे देंगे, ये हम वादा करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।